बढ़ के क्या सीन चल रहा है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। जी अगर आप हमारा सीरियल देख रहे हैं तो ट्रैक कुछ ऐसा है कि सम्राट बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए वो कार जो तानी की कार है, उनके पास तो कार है नहीं, जो उनकी वाइफ की कार है यानी कि मेरे बहन की कार, वो उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं यू नो डीलर्स को, या उन्हें कार को चुरवाना चाहते हैं, जो उनका किरदार है इस तरह का थोड़ा शेडी सा, थोड़ा डार्क सा। तो बस उर्मी उनकी नाक में दम करके रखा है कि नो सब पहले से ही जो उनके प्लान्स होते हैं घर वालों को बता देती है, क्योंकि उन पर नज़र रख रही है, उनकी जासूसी कर रही है। और बस हम लोग जिस तरह सम्राट ने हमारा जीना हराम किया था, आज हम उनका जीना हराम कर रहे हैं। घर की सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो क्या लगता है आपको संग्राम सम्राट इसमें कामयाब हो पाएंगे गाड़ी बेचने में? जी उर्मी और मेरे रहते हुए सम्राट अपने किसी नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम तो बस उन्हें खुजली कर रहे हैं, उनसे मज़े ले रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ये सब उनका किया धरा है, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया। पर हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें सब पता है कि उनकी असलियत क्या है, पर हम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब हमें लगेगा कि लोहा गर्म है तब हम रख के मारेंगे। तानी जैसे अपने गाड़ी से बहुत प्यार करती, तो क्या लगता है तानी सम्राट को 2-3 बार समझा भी चुकी है लेकिन सम्राट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो क्या इस हरकत के बाद कुछ सुधरने की संभावना है सम्राट की? ये तो आपको लेखक और सम्राट ही बता पाएंगे, उनको सुधरना ना सुधरना मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हिसाब से तो कुत्ते की पूँछ है, वो कभी सीधी नहीं होंगी। और रही बात तानी की, तो तानी का तो किरदार ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा बचकाना है, वो सम्राट से भी प्यार करती है तो फिर गाड़ी से भी प्यार करती ही होगी, तो ये तो उनके ऊपर है। नई गाड़ी लेंगे उनके लिए, क्या दिक्कत है। अच्छा आगे क्या ट्विस्ट है शो में? आगे लीप होने वाला है, तो अगले 2 हफ्ते बाद शो लीप हो रहा है, 20 साल आगे जा रहा है, और तब मैं शो का हिस्सा नहीं होऊंगा। तो जितने भी मेरे फैंस हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि माय जर्नी ऑफ डोली और मानो की इज़ एंडिंग वेरी सून, एंड आई वांट टू थैंक देम फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड जस्ट कीप प्रेइंग फॉर मी बिकॉज़ आई विल प्रे फॉर यू, थैंक्स। तो आगे कुछ है प्लानिंग, क्या किस में नजर आएंगे इशारे? अभी फिलहाल तो मैंने कोई शो नहीं लिया है, देखिए अगर कोई अच्छे ऑफर्स आते हैं मेरे पास तो हम जरूर, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड, बट एज ऑफ नाउ आई हैवंट बीन ऑफर्ड एनीथिंग। थैंक यू। थैंक यू।